पति पत्नी ने सेटलमेंट के बाद म्यूचुअल डिवोर्स कोर्ट में फाइल करा, लेकिन पत्नी अब तलाक देने से मुकर गई है, तो पति क्या करे? नमस्कार भारत, मैं हूं एडवोकेट अनिता वर्मा। आप दोनों पति पत्नी के बीच में अगर सुलह हो गई है और एक सेटलमेंट हुआ है कि किस तरह से आप अपने डिस्प्यूट को ख़त्म करेंगे और जो आप लोगों के बीच में केसेस पड़े हुए हैं, जो बाकी कोर्ट में पेंडिंग हैं, वो किस तरह से ख़त्म होंगे, बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी और पत्नी को क्या आप मेंटेनेंस देंगे और पत्नी किस घर में रहेगी और पत्नी अपने सारे केसेस आपके अगेंस्ट जो उसने फाइल किए हैं वो क्वेश कराएगी, इस तरह का आप दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ और इस सेटलमेंट में ये भी लिखा गया कि आप दोनों म्यूचुअली अलग हो जाएंगे, म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करेंगे जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और उस डिवोर्स के थ्रू आप दोनों अलग रहने लगेंगे। जो भी इसमें कंडीशन लिखी है सेटलमेंट डीड में, वो सारी आप दोनों एक दूसरे से पूरी करेंगे। जैसे अगर बच्चे की कस्टडी वाइफ के पास रहती है तो वो बच्चे को पति से मिलने देगी, उसके परिवार से मिलने देगी। अगर पति ने ये बोला है कि वो उसको मेंटेनेंस देगा और बच्चे के लिए भी खर्चा देगा तो वो उसमें लिखा हुआ है। और किसी भी तरह की जो भी आप दोनों ने बैठ के आपके परिवार ने कंडीशन डिसाइड करी है सेटलमेंट की, वो सारा उसमें लिख दिया है और अब इस सेटलमेंट डीड को लेकर आप लोगों ने म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर दिया है कोर्ट के अंदर। और इस सेटलमेंट के चलते आपकी वाइफ ने ये भी बोला कि उसे कुछ पेमेंट म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने से पहले चाहिए और आपने वो भी उसमें उसको दे दिया, उसको पेमेंट दे दी है, जो भी उसकी जो वो डिमांड कर रही थी वो म्यूचुअल डिवोर्स से पहले भी दे दी है या जिस दिन म्यूचुअल डिवोर्स की डेट थी, पहली तारीख थी, उस दिन दे दी है। उसके बाद आपकी वाइफ ने अपने कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। आपकी वाइफ ये बोलती है कि उसको आपको डिवोर्स नहीं देना है, तो अब इस केस में आप क्या करेंगे? आपको दोबारा से केस फाइल करना पड़ेगा या आपको कोई डिवोर्स दे देगी या नहीं देगी? तो इस तरह की अगर परेशानी है तो इसका ये आंसर है मेरी तरफ से, ये एडवाइस है आप लोगों को और ये कानूनी भी सही है कि ऐसे में आप कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करें कि आपकी वाइफ ने आपको चीट किया है, सेटलमेंट करने के बाद एक कॉम्प्रोमाइज डीड बनाई और डीड को लेकर आप दोनों ने म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करा और अब उन्होंने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया है किसी साजिश के तहत। तो इसमें आप वाइफ की पुलिस कंप्लेंट भी दे सकते हैं कि वाइफ ने फ्रॉड किया है या वो चीटिंग की है आपके साथ और उसने गलत एफिडेविट भी कोर्ट में दिया है। और इसके साथ साथ कोर्ट से आप रिक्वेस्ट करें कि ये जो म्यूचुअल कंसेंट की जो आपने पिटीशन लगाई है इसको कंसिडर करके कोर्ट आपकी मैरिज को डिसॉल्व कर दे, मैरिज को खत्म कर दे, आपको डिवोर्स ग्रांट कर दे। ऐसे काफी केसेस कोर्ट में देखे गए हैं जहां पे कोर्ट ने हस्बैंड की इस रिक्वेस्ट को माना भी है और मैरिज को खत्म कर दिया है। तो मेरी सारी वाइफ को ये एडवाइस है कि अगर आप इस तरह से गलतियां करेंगी कि आप सेटलमेंट के बाद म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करा और उसके बाद आपने कुछ पेमेंट लेने के बाद आप बैक हो गए और फिर आप ये सोच रही हैं कि पति को डिवोर्स नहीं मिलेगा, उसको फिर से एक तरफा डिवोर्स डालना पड़ेगा, तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। पति को बिल्कुल उसी पिटीशन पे जो म्यूचुअल डिवोर्स आप दोनों ने फाइल करी थी सेटलमेंट डीड के बाद डिवोर्स मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस लीगल जानकारी से आपको काफी नॉलेज हुआ होगा और आप इसको अपने केसेस में यूज भी कर सकते हैं। नई वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।